Assalamualaikum and welcome to my channel. My name is Zunaira और आज की जो वीडियो है वो है फाउंडेशन से रिलेटेड, बिकॉज बहुत सी लड़कियों की प्रॉब्लम है. समर में फाउंडेशन केकी हो जाता है, पोर्स में चला जाता है, ऑयली हो जाता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. आपकी सारी प्रॉब्लम्स का हल मैं आज इस वीडियो में लेके एंड तक देखिएगा. बहुत सी लड़कियों को कंप्लेन है फाउंडेशन से रिलेटेड के जी केकी हो जाता है, पोर्स में बैठ जाता है, पोर्स विजिबल हो जाते हैं, ग्रे हो जाता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. आपकी सब प्रॉब्लम का हल इस छोटी सी वीडियो में. हाँ जी, तो बहुत सिंपल स्टेप्स हैं, वही स्टेप्स हैं जो आप रेगुलर अपने फाउंडेशन रूटीन में यूज करते हैं, बट थोड़े आगे पीछे करके. तो किस तरह से करने हैं, सबसे पहले मैं अपनी अंडर आईज को प्रेप करूंगी. ये कॉफी सिरम है और मैं मॉइस्चराइज कर लूंगी स्किन को, आईब्रोज डन कर लूंगी, देन आई विल बी राइट बैक. अच्छा, मैंने अपनी अंडर आईज कर ली है हाइड्रेट और आईब्रोज को कर लिया है डन. अभी थोड़ी ऊपर नीचे है बट वी विल फिक्स देम लेटर. तब तक के लिए हम अपनी फाउंडेशन रूटीन की तरफ चलते हैं, जिसके लिए सबसे पहला स्टेप है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप, आपने लेना है कोई भी ग्लोई प्राइमर. ठीक है, क्योंकि बेशक आपको लगेगा ओ माय गॉड आई हैव ऑयली स्किन, ओ माय गॉड इतनी गर्मी और ग्लोई प्राइमर, बट ट्रस्ट द प्रोसेस. ठीक है, सबसे पहले आपने ग्लोई प्राइमर लेना. मैं ओफ्रा का प्राइमर ले रही हूँ, इल्यूमिनेटिंग प्राइमर, रोडियो ड्राइव इसका शेड. आप कोई भी ग्लोई प्राइमर ले सकते हैं, प्रोडक्ट मैटर नहीं करता, टेक्निक मैटर करती है. अच्छी खासी क्वांटिटी ले ली मैंने और मैं पूरे फेस को अपने प्राइम कर लूंगी. बहुत लाइट सा देखिए ग्लो देख रहे हैं आप, ये मैट है फिनिश और ये ग्लो. मैं कोई 2 मिनट दूंगी हमेशा प्राइमर को और स्किन केयर को अपनी स्किन के अंदर सेट होने दे, अब्सॉर्ब होने दे, एक दूसरे के ऊपर लेयर आप जल्दी जल्दी करते जाएंगे तो फिर स्किन केकी हो जाती, क्योंकि पिछले का असर नहीं होता प्रॉपरली और आप अपनी फाउंडेशन कंसीलर पाउडर के तक कुछ लगा देते. ठीक है, सो मैं 2 मिनट वेट करूंगी और इसके बाद मैं. अच्छा जी, मेरी स्किन अच्छी तरह से अब्सॉर्ब कर लिया है. अभी हम जो सेकेंड स्टेप है उसमें यूज करना है कंसीलर. मैं 2 तरह के कंसीलर यूज कर रही हूँ और इस टेक्निक के लिए 2 तरह के ही कंसीलर यूज करने हैं. इस तरह ये एक है निक्स का कैंट स्टॉप, इसका शेड ट्रू बेज है, ये थोड़ा डार्क है मेरी स्किन टोन से. और फिर ये है टॉप फेस का 3-in-1 मिनरल कंसीलर, ये बहुत कमाल का कंसीलर है. 003 इसका शेड है, ये मेरी स्किन टोन से काफी लाइट है, काफी नहीं बट लाइट है, इसलिए मैं ये दोनों कंसीलर यूज करूंगी. किस तरह से यूज करेंगी आप देखिए. अभी आपने कुछ देर के लिए इसको अपने फेस पे बैठे रहने देना. ठीक है, इस टेक्निक से क्या होगा कि अगर आप लाइटर खाली लगाएंगे तो ऑब्वियसली आपकी आंखें ग्रे लगने लग जाएंगी कुछ देर के बाद. ठीक है, बल्कि उसी वक्त कुछ लोगों के, क्योंकि डार्क सर्कल्स हैं या तो बिल्कुल कोई डार्क सर्कल्स नहीं, फिर तो आप लाइट कलर का कंसीलर लगाएं, यू आर गुड टू गो. बट मेरी तरह का थोड़ा सा भी डार्क सर्कल्स हैं, कोई एशिनेस है, कुछ भी है, कोशिश करें कि 2 कंसीलर इस तरह से मिक्स कर लें अगर आप कलर करेक्शन नहीं यूज कर रहे. ठीक है, इस तरह से लगे रहने दें. इसके बाद इसको कुछ नहीं करना, हम दूसरे स्टेप की तरफ चलते. अब मैं ये 2 फाउंडेशन यूज करी, ये मेरी स्किन टोन से थोड़ा सा डार्क है, ये मेरी स्किन टोन से थोड़ा सा लाइट है, इसलिए मैं इनको मिक्स कर रही हूँ. इसका रिव्यू मैंने रिसेंटली अपने चैनल पर डाला है, आप जाकर चेक कर सकते हैं. पाकिस्तानी ब्रांड है, ये भी बहुत इजीली अवेलेबल है. आपको बिल्कुल भी 2 फाउंडेशन लेने की जरूरत नहीं. अगर आपके पास अपनी स्किन टोन का फाउंडेशन है तो आप वही यूज करें, और फाउंडेशन को आपने अपने आउटर पैरामीटर पे फेस के यूज करना है, बाहर बाहर. अंदर हमने ऑलरेडी कंसीलर लगा लिया है तो हमें जरूरत नहीं है. इस तरह से क्या होगा कि आपका प्रोडक्ट भी कम यूज होगा और आपका फेस केकिंग नहीं होगा, स्पेशली गर्मियों में, वैसे तो सर्दियों में भी. आपने कोशिश करना है कि अपना फाउंडेशन और कंसीलर आप किसी भी ब्रश से यूज करें, बिकॉज ब्रश इज योर बेस्ट फ्रेंड. जो ब्लेंडर है ना वो आप बहुत स्मूथ और फ्लॉलेस फिनिश देता है, बट वो कवरेज सारी खा लेता है. और अब हमने इतनी देर कंसीलर को बैठने दिया है जिसकी वजह से कवरेज हमें और ज्यादा मिलेगी. टिंग स्प्रे लें, उससे अपने ब्रश को हल्का सा डैम्प कर लें और अब आप ब्लेंड कर लें.
अच्छा यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगी कि अगर आपको लगता है कि आपका जो कंसीलर है अंडर आई या जो जो आप हाईलाइट करना चाहते थे पॉइंट्स वहाँ पे उतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं हो रहा, तो आप थोड़ा सा लाइट कलर का जो कंसीलर है वो थोड़ा और ऐड कर सकते हैं और ब्लेंड कर लें। अब अगर आपने कॉन्टोर करना है, क्रीम कॉन्टोर या क्रीम ब्लश या क्रीम हाइलाइटर जो भी अब आपने करना है, अब आप वो करेंगे क्योंकि उसके बाद फिर हम पाउडर की तरफ जाएंगे और पाउडर के बाद क्रीम प्रोडक्ट्स बिल्कुल यूज नहीं करते। ठीक है, तो चले अब हम चलते हैं क्रीम कॉन्टोर की तरफ। क्रीम ब्लश मैं देखती हूँ करते हैं, सो लेट्स गो। अब मेरा फेस बिल्कुल रेडी है बेकिंग के लिए। ठीक है, इसका जो मेन फर्स्ट स्टेप है इन सब स्टेप्स के बाद वो है बेकिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी सो ग्लैम। और इसका शेड है लाइट पिंक, मेरा एब्सोल्यूट फेवरेट पाउडर, आई लव दिस पाउडर। इसमें मेरे पास एक येलो कलर है, ये पिंक कलर है, ये मैंने सेल में लिया था, मिनीसो का है बेसिकली। और कुछ इस तरह से इसकी पैकेजिंग है, आई डोंट लाइक इट्स पैकेजिंग एट ऑल। इसमें से पाउडर निकलता नहीं है और ये लिड खुलती नहीं है, बड़ी मुश्किल से खुलती है। सो आई हेट। पर आपने अपने फेस को देख लिया ना कहीं पे लाइन्स तो नहीं, क्योंकि एक दफा पाउडर से सेट हो गया तो सेट हो गया। ठीक है, ये डैम स्पंज लूंगी और इसकी मदद से अपने फेस को बेक करूंगी। डरना नहीं, ज्यादा पाउडर लेना इवन इफ यू हैव ड्राई स्किन, बहुत मजे की टेक्निक है। Now I will wait for 2 minutes, 2 whole minutes. गाइस, सो 2 मिनट हो चुके हैं, उस दौरान मैंने अपना ब्लश लगा लिया और ब्रॉन्ज कर लिया। अब मैं चलूंगी पाउडर की तरफ जिससे मुझे इसको रिमूव करना है। आई नो आई एम लुकिंग लाइक, तो जब आपने पाउडर लेना वो थोड़ा सा आपकी स्किन से लाइट होना चाहिए। जैसे कि मेरे पास ये है काफी ग्लोई पाउडर है और एक ये रिवाज का, ये मैंने न्यू लिया है, आई डोंट नो हाउ इट वर्क्स बट आई वॉन्टेड टू ट्राई इट। सो मैं ये लूं, मैं डिप करके थोड़ा सा, और मैं अब बफ करूंगी, अब मैं बफ करूंगी जो बेक हो रहा था उसको यूं। ठीक है, ज्यादा जोर से नहीं, बिल्कुल सॉफ्ट हाथों से आपने यू पूरे फेस पे घुमाना है। कैन यू सी हाउ फ्लॉलेस दिस लुक, मैं बिल्कुल नेचुरल लाइटिंग में। वेयर आर माई पोर्स, कहाँ गए हो तुम लोग? Absolutely flawless. अच्छा जी, अभी जो लास्ट स्टेप है वो है कोई भी आपने सेटिंग स्प्रे लेना है, अच्छा वाला सेटिंग स्प्रे। अगेन ओफ्रा का सेटिंग स्प्रे, मेकअप फिक्सर है बेसिकली ये, और ये बड़े अच्छे से मेरे फेस को, मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। इसको आपने ढेर सारा करना है, ठीक है? Let it dry and I'll be back. Okay, so here is my face of After 7 hours, trust me, after 7 hours, this is my face. बहुत थोड़ा ऑयल है, बहुत थोड़ा, वो भी थोड़ा सा, ओ गॉड, केकी थोड़ा सा यहां से केकी फील हो रहा है यहां, ये एरिया मुझे थोड़ा सा केकी फील हो रहा है, बाकी अंडर आईज वेरी फ्लॉलेस। आज तो क्रीज भी नहीं की, पोर्स बहुत थोड़े से अब इस वक्त क्योंकि ऑयल आए थे थोड़े से विजिबल होना शुरू हो गए हैं इस एरिया में, इस एरिया में टेक्सचर स्मूथ है, ये एरिया बहुत स्मूथ है, दिस एरिया इज ऑल्सो वेरी स्मूथ। अच्छा, मैं यहाँ पे ये बताना चाह रही थी, मेरी आवाज़ थोड़ी सी यहाँ पे कट रही थी, खैर मैं ये बताना चाह रही थी कि यूजुअली मेरे माथे की जो लाइंस है ना वो प्रोमिनेंट नहीं होती जब भी मैं फाउंडेशन लगाती हूँ, बट इस टेक्निक से थोड़ी सी प्रोमिनेंट हो गई थी, लाइंस बैठ गई थी, जो फाउंडेशन था ना लाइन्स में बैठ गया था, सो विच इज़ वियर्ड बट
ओवरऑल ये टेक्निक अच्छी है। मैं इस टेक्निक को 8.5 दूंगी आउट ऑफ 10। रीजन ये है कि एक तो काफी ज्यादा पाउडर लगा था जिसकी वजह से ऑलमोस्ट एक घंटा मेरा फेस अकड़ा हुआ रहा था। मैंने बहुत ज्यादा स्प्रे किया था, सेटिंग स्प्रे काफी ज्यादा किया। अच्छा, लैशेस बहुत बकवास लगी बिकॉज मैंने उतार दी थी और अभी कुछ देर पहले लगाए। जब मैंने ये मेकअप किया था उस वक्त तकरीबन 4:30 शाम के 5 बज रहे थे, ठीक है, और इस वक्त है 11:30। अब आप टाइम नोटिस करें, 7 आवर्स। लिपस्टिक थोड़ी सी फेड हो गई है। अगर आप मेरा ये आई लुक देखना चाहते हैं तो ये आई लुक मैंने की है अपने इंस्टाग्राम पे, और जाके देख सकते हैं आई लुक और लिपस्टिक मैंने कौन सी लगाई है। उसके अलावा मेरा फेस बहुत फ्लॉलेस लग रहा है ऑनेस्टली। मतलब मैं इसको भी 3 घंटे और आराम से ये मेकअप वेयर कर सकती हूँ, बट थोड़ा हैवी फील हो रहा है। वो आई गेस मिलानी का फाउंडेशन थोड़ा सा हैवी है। गर्मियों में अगर आप हैवी कवरेज चाहते हैं और लॉन्ग लास्टिंग मेकअप चाहते हैं, आपका मेकअप उतर जाता है, आपके केकीनेस हो जाता है, सो ट्राई दिस टेक्निक, ठीक है। और आपकी और क्या प्रॉब्लम्स है मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अंटिल नेक्स्ट टाइम टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।